हेलो गाइस, वेलकम टू सेट टाइम बाउंड गोल चैनल। तो हमने जो स्टार्ट किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड फ्लूड मैकेनिक्स, उसको हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ मैंने बोला था कि एक लेक्चर में ही से प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को मैं ख़त्म करने वाला था, पर दिन में किसी आवश्यक कार्य की वजह से मैं नहीं ख़त्म कर पाया। मैं अभी ख़त्म कर देता हूँ, उसके बाद दो लेक्चर लगेंगे फ्लूड मैकेनिक्स में, और इन तीन लेक्चर को मिला के आपके 6 क्वेश्चन तक हो जाएंगे। इन पूरे फ्लूड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और फ्लूड मैकेनिक्स को मिला के लगभग 6 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आपको एएमयू एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं ना, बहुत ईजी होते हैं, इनको हर बच्चा कर सकता है अगर उसका फॉर्मूला तैयार है तो, ठीक है। मैकेनिक्स आपसे हो जाए ज़रूरी नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप कर लो ये ज़रूरी नहीं है, पर फ्लूड मैकेनिक्स आप पक्का कर लोगे, ठीक है। तो इसमें अब मेरे साथी लोग बताएंगे कि हमने कहाँ तक पढ़ाया था। तो बताइए भाई लोग, कहाँ तक पढ़ाया था हमने? टोटल एनर्जी स्टोर, ठीक है। साथ साथ हम लोग एएमयू वगैरह के क्वेश्चन भी करते चल रहे हैं, ताकि हम लोग को आसानी हो चीज़ों को सीखने में, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया था, ये वाला क्वेश्चन। अ वायर सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम वन ऑफ द इंडिज रेच, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया था। जो लोग उस लेक्चर को नहीं देखे हैं, इससे पहले उस लेक्चर को देखें, देन आप इस लेक्चर पे स्विच कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए भाई, ब्रेकिंग ऑफ वायर देखते हैं कि ब्रेकिंग ऑफ वायर। अब देखो, कोई भी वायर है ना, इस पे क्वेश्चन आता है। मैं इस टॉपिक को बस छोटा सा डिस्कशन में लेना चाहूंगा, क्योंकि इस पे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। देखो, अब क्या होगा ना, मान लो तुम कोई भी वायर है, उसका खुद का भी एक वेट है ना, हाँ या ना? अरे देखो, दो तरीके का हो सकता है ना। मान लो एक वायर हो जो लाइट वेट हो, जिसका वेट नहीं हो, और एक वायर हो सकता है जिसका वेट हो। तो इन दोनों पे अलग अलग क्वेश्चन बनता है। सपोज दैट, मान लो एक स्टील की रॉड है, दिख रही है क्या? या किसी का भी एक रॉड है या एक वायर है, दिख रहा है? अरे रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा, बकलोल लो। दिख रहा है ना? तो मान लो अगर तुमने वायर को पे इतना ज़्यादा लोड लगाया, मतलब इतना ज़्यादा तुमने उस पर फोर्स लगाया कि वो बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट हो गया, ठीक है। अब तुमने मतलब ना उसके, समझ लो, इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा ही, ज़्यादा का ही फोर्स लगा दिया है, ठीक है। तुमने उससे ज़्यादा का ही स्ट्रेस दे दिया है, तो द मैक्सिमम स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू बी, जैसे तुमने कर्व देखा था, कैसा था? कर्व था ना, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तुम्हें पता है कुछ देर तक क्या होता है कि ये कैसा जाता है, वाई बराबर एम एक्स के जैसा जाता है, हाँ या ना? उसके बाद से क्या होता है, ऐसे होने लगता है, उसके बाद ऐसे हो जाता है, हाँ या ना? तो एक ऐसा मैक्सिमम स्ट्रेस होता है जिससे अगर आप थोड़ा सा भी ज़्यादा, देखो यहाँ तक तो टूटने का कोई संभावना नहीं रहता है, इसके आगे प्लास्टिक जोन में चला जाता है और उसके बाद टूटने की इसकी संभावना होने लगती है। और ये वो स्ट्रेस होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस, जिसको क्या कर सकता है, वायर सह सकता है, उसके बाद नहीं सह पाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? तो जैसे ही आप इस स्ट्रेस को पार करेंगे, मैक्सिमम स्ट्रेस को, जिस मैक्सिमम स्ट्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग आपका वायर क्या हो जाए, ब्रेक कर जाए, टूट जाए। अरे तुम इसको खींच रहे हो, एक लोड लगा के खींच रहे हो, तो एक मैक्सिमम स्ट्रेस तक ही तो खुद को सह पाएगा ना, उसके बाद तो ये टूट जाएगा। तो जिस मैक्सिमम स्ट्रेस पे टूट जाए, उसको क्या कहेंगे, ब्रेकिंग पॉइंट कहेंगे, ठीक है। और उस मैक्सिमम स्ट्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग जो फोर्स आया है ना, उसको हम ब्रेकिंग फोर्स कहेंगे। मतलब वो फोर्स क्या कर सकता है, इस वायर को इजिली तोड़ सकता है। समझ में आ रहा है? तो ब्रेकिंग फोर्स जो होता है, डिपेंड करता है कितना मोटा वायर है क्रॉस सेक्शन एरिया पे। जिसका एरिया ज्यादा, उसका ब्रेकिंग फोर्स ज्यादा। मतलब जो मोटा वायर है, उसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो हम कह सकते हैं ब्रेकिंग फोर्स जो होता है वो क्या होता है, ब्रेकिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। अब ब्रेकिंग फोर्स को मापने के लिए ना सेफ्टी फैक्टर निर्धारित किया गया है। सेफ्टी फैक्टर, अब कभी क्वेश्चन में पूछेगा ना सेफ्टी फैक्टर क्या होता है, तो कुछ नहीं होता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस अपन वर्किंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस अपन
वर्किंग स्ट्रेस, समझ में आ रहा है? बोलो। अरे भाई सेफ्टी फैक्टर क्या है, हर वायर का एक सेफ्टी फैक्टर होता है, तो उसको क्या होता है ब्रेकिंग स्ट्रेस, किस स्ट्रेस पे टूट जाएगा अपन, वर्किंग स्ट्रेस। या फिर ब्रेकिंग स्ट्रेस को ऐसा भी कह सकता हूँ ना कि ब्रेकिंग फोर्स अपॉन वर्किंग फोर्स, क्योंकि ए तो कट जाएगा। तो अगर सपोज दैट वर्किंग फोर्स ब्रेकिंग फोर्स से ज्यादा हो गया तो ये वायर टूट जाएगा कि नहीं? अरे ब्रेकिंग फोर्स से ज्यादा होगा तो ये वायर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। बोलो। तो तुम बताओ किसी भी वायर का सेफ्टी फैक्टर, सेफ्टी फैक्टर किसी भी रॉड का सेफ्टी फैक्टर एक से ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? बिल्कुल ज्यादा होना चाहिए, हमेशा ब्रेकिंग स्ट्रेस ज्यादा होना चाहिए। ब्रेकिंग फोर्स या ब्रेकिंग स्ट्रेस से कम स्ट्रेस पर ही हमें काम करना चाहिए, तभी वो वायर बचा रहेगा, अदरवाइज टूट जाएगा। कितने लोगों को समझ में आया बात? ठीक है, अब देखो, अब इस पे जो सेकेंड वाला पार्ट है ना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। बोलता है ना कि ब्रेकिंग ऑफ वायर, ब्रेकिंग ऑफ वायर अंडर इट्स ओन हाइट, सॉरी ओन वेट, खुद के वेट की वजह से किसी वायर का ब्रेक होना। अब तुम्हें पता है वायर का अगर वेट है तो जितना लंबा वायर होगा उतना भारी वायर होगा, तो ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने वजन की वजह से ही वायर ब्रेक कर जाए, हाँ या ना? अगर मान लो उसके वजन की वजह से जो फोर्स आया mg, वो अगर उसके ब्रेकिंग फोर्स से ज्यादा हो गया तो क्या ब्रेक नहीं कर जाएगा, हाँ या ना? अरे दोस्त बताओ ना भाई, अरे बोलो भाई, ब्रेक कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? ठीक है, तुम लोग बोलते नहीं हो ना, बहुत दिमाग खराब होने लगता है। हाँ वो दे भी देगा, ब्रेकिंग लिमिट देगा, टेंशन मतलब। तो अब देखो ब्रेकिंग फोर्स क्या होगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है? तो मान लो वायर का जो वेट है वो क्या है, एमजी है। वायर का वेट क्या होगा, एमजी होगा ना, टोटल मास इनटू जी, हाँ या ना? अरे बोलो ना यार, क्या ही बात ये कर रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है। वेट ऑफ वायर एमजी होगा, ठीक है? अब थोड़ा ना एमजी को उसके टर्म में लिखो, एम को लिख सकते हो रो इंटू बी, एम बराबर रो भी नहीं होता है, और जी को जीरो रहने दो, हाँ या ना? अरे एम जी को नहीं लिख सकते हो, मास को रो इंटू वी इंटू जी। अब देखो रो इंटू वी को लिख सकते हो एरिया इंटू लेंथ इंटू जी, हाँ या ना? अरे बताओ, अब अगर ए कम हुआ, अगर मान लो हम मुझसे पूछा जाए कि मिनिमम लेंथ बताइए कि कितना लंबा वायर हो कि टूट जाए, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस। इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ए से ए काट दो, तो रो एल जी बराबर ब्रेकिंग स्ट्रेस, मतलब उस वायर पे ब्रेकिंग, देखो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपन एरिया, ये प्रेशर के ही बराबर है ना एक तरीके से, तो उस वायर पे लगने वाले प्रेशर के बराबर होगा या फिर ब्रेकिंग स्ट्रेस के बराबर होगा, समझ में आ रहा है? ये है ब्रेकिंग स्ट्रेस, क्या है? नहीं समझ में आया क्या गाइस? अरे इस सवाल को करो, अभी क्लियर हो जाएगा। बोल रहा है कि टू ब्रेक द वायर ऑफ फोर्स, आप अ फोर्स एक वायर को ब्रेक करने के लिए इतना इतना ब्रेकिंग स्ट्रेस रिक्वायर्ड है, तो इसका मतलब हमको क्या दे दिया गया है, ब्रेकिंग स्ट्रेस दे दिया गया है। इफ द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज फलाना, देन द लेंथ ऑफ वायर विल बी ब्रेक, एल की वैल्यू पूछा है। तो एल की वैल्यू कैसे निकालूंगा, मैं बोलूंगा कि अगर, मैं क्या बोलूंगा, अगर इस पे जो लगने वाला फोर्स है किसके बराबर हो जाए, ब्रेकिंग स्ट्रेस के बराबर हो जाए या फिर उससे बड़ा हो जाए, तो ये वायर क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस के बराबर हो जाए,
या उससे बड़ा हो जाए, तो एरिया, अब फोर्स को, इस फोर्स को स्ट्रेस, ये स्ट्रेस है ना, इस स्ट्रेस को फोर्स में बदलने के लिए एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेकिंग फोर्स बराबर ब्रेकिंग स्ट्रेस इंटू एरिया, तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। एम को क्या लिख सकता हूँ, रो इंटू वी, वी को लिख सकता हूँ एल इंटू ए इंटू जी, बराबर 10 to the power 6 मल्टीप्लाई बाई ए, ए से ए शहीद हो गया, एल बराबर क्या हो जाएगा, 10 to the power, एल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, एल बराबर हो जाएगा 10 to the power 6 अपॉन हद है यार, कुछ बोल ही नहीं रहा है सब, 10 to the, रो की वैल्यू क्या है, 3 into 10 to the power 3 multiply by 10, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 into 10 to the power 18 स्क्वायर हो जाएगा, है ना, तो ये हो गया 100, तो 33.33 मतलब 34 के अप्रॉक्स, हाँ है ना। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ सर ठीक है, अगला सवाल। अब यहाँ तक जो था ना तुम्हारा बेसिक बात थी, मैंने किसके यंग मॉडुलस के बारे में बात किया था, फोर्स के बारे में बात किया था, वर्क डन के बारे में बात किया था, देखो वर्क डन टू एक वायर को स्ट्रेच करने में कितना काम किया गया इसकी बात किया था, फिर मैंने किसकी बात किया था कि थर्मल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात किया था, एनर्जी की बात की थी कि एक वायर में कितना एनर्जी स्टोर्ड होता है अगर उसके लंबाई में चेंज किया जाए तो, फिर थर्मल एनर्जी के बारे में बात किया था, एक क्वेश्चन आया हुआ है थर्मल एनर्जी वाला, थोड़ा ज़्यादा ही महत्वपूर्ण कह सकते हो, और उसके बाद से हमने ब्रेकिंग ऑफ वायर की बात किया, ब्रेकिंग ऑफ वायर कुछ नहीं है, लल्लू चीज़ है, बस कॉन्सेप्ट याद रखना, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब बल्क मॉडुलस पे चलने से पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं PYQ में जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। हाँ जी बताइए, क्या हुआ मोहतरमा, ओहो इतना लेट से बता रही हो रिकॉर्डिंग के लिए, अच्छा अगर मान लो तुम कल ना रहो और चली, तुम कहीं जाने वाली हो ना, अगर रिकॉर्डिंग भूल गए तो अपनी दोस्त को कह के जाना कि याद दिलाती रहे ना, ठीक है, आजकल वो गुमशुदा सी रह रही है ना, गुमसुम गुमसुम क्या चल रहा है उसका, अरे तुमसे छोटी है भाई, क्या ही कह रहे हो तुम। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, वो अभी 11th में है, ये क्वेश्चन जामिया, ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया का सवाल है, 12th में आ गई क्या, हाँ भाई एक क्वेश्चन देखो, देखो ये सवाल कितना आ रहा है, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग, अबे गधों बताओ कहाँ गई जामिया वाली, जामिया वाली कहाँ है, अच्छा ये क्या बोल रहा है, अ वायर इज फिक्स्ड अपर एंड एंड स्ट्रेच बाय एल, एल 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 लेंथ स्ट्रेच कर दिया गया है, हाँ अब अरे एल स्ट्रेच कर दिया गया बाई एल, मतलब एल से स्ट्रेच कर दिया गया, उसका लेंथ तो कुछ रहा होगा लेकिन एल लंबाई स्ट्रेच कर दिया गया, तो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग, तो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग क्या होता है, हाफ एफ एल होता है, अरे डायरेक्ट फॉर्मूला है, लिखवाया था, अरे लिखवाया था ही नहीं कदों, देखो हाफ एफ एल नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया जामिया वालों ने तो, है ना, नशा वशा करके नहीं मतलब अब देखो इन लोगों ने, देखो ये कितना मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, यंग मॉडुलस इज, है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, क्या ही मसला है, देख रहे हो, अरे इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड, देख रहे हो, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, मतलब फार्मूला बेस्ड का फार्मूला ही है वो क्वेश्चन थोड़ी ना है, अरे फार्मूला ही है ना, अरे जामिया का बीटेक पूछ सकता है तो एमयू का बीटेक क्यों नहीं पूछ सकता है,
बीएससी वालों से तो वही पूछा जाता है ना। अच्छा चलो जेई का देख लेते हैं, आ जाओ जी। ओ डायरेक्ट नहीं आया था, पता नहीं। अरे तो ये जरूर थोड़ी ना कि हर बार आ जाए। अच्छा चलो जेई का सवाल देखो, मतलब इस टॉपिक से आता है तो बहुत लुल्लू सा आता है। नहीं अरे ऐसा भी तो हो सकता है ना गलत हो इसका ऑप्शन, इसके चक्कर में क्यों पढ़ रहे हो यार, बकलोल हो क्या तुम। अच्छा ये इसने देखो डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है कि नहीं। अब देखो जेई मेन भी डायरेक्ट फॉर्मूला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, 1/2 एस इंटू, मान लो एस क्या बोल रहा है स्ट्रेस, इंटू क्या स्ट्रेन। अब स्ट्रेन को क्या लिख सकता हूं मैं, स्ट्रेन को लिख सकता हूँ। देखो ऐसा होता है ना स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन, तो स्ट्रेन को लिख लो स्ट्रेस अपन वाई, तो स्ट्रेस अपन वाई ये हो गया हाफ ए स्क्वायर अपन वाई। तो ये क्या दिक्कत है, ए स्क्वायर अपन टू वाई। अब बताओ तुम बुशरा, जब जेई वाले दे रहे हैं डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला वाला क्वेश्चन, तो एएमयू क्यों नहीं दे सकता है, बताओ देवी। अच्छा इसमें से नहीं, कभी कभी नहीं, नहीं टॉपिक टू में देखो कोई भी एक क्वेश्चन देखो जो अलग से हो, अलग तुम्हें लगे। जब भी इस पे एक क्वेश्चन आता है तो पता नहीं क्यों फार्मूला ही देते हैं, या फिर फार्मूले पे बेस सिंपल सवाल देते हैं। कोई भी एक फार्मूला बता दो जो अलग है क्वेश्चन, सब फार्मूले बेस्ड हैं। बोलो कोई भी इसमें क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन दिख रहा है, कोई मुझे तो नहीं लग रहा यार, सबके सब वही हैं कोई भी सवाल। समझ में आ रहा है देवी, चलो इसको करके आना ठीक है। अब इस सवाल को देखो, जैसे इन्होंने एमएससीटी में एक सवाल दिया हुआ है, ठीक है एमएससीटी में एक सवाल दिया। हाँ अब बताओ जी बुशरा, ये क्वेश्चन देखो इधर का उधर रिपीट हो रहा है, बताओ भाई बुशरा कलीम। और वैसे तुम्हें उस टाइम कैसे पता चला था, तुमने तो उस टाइम में पढ़ा ही नहीं था, तो तुम्हें कैसे पता चला कि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है। अब तुमने अरे ये वाला पढ़ा था तुमने। ओके चलो चलो क्वेश्चन लगाओ। इफ अ वायर ऑफ यंग मॉडुलस वाई, इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एक्स दे दिया गया, प्रोड्यूस द पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। अरे बाप रे लल्लू सा पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन पूछा है, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, तो स्ट्रेन एक्स है यहाँ पे। अब स्ट्रेस को मैं किससे रिप्लेस कर दूं, वाई इंटू स्ट्रेन से, वाई अपन एक्स क्यों यार, वाई इंटू एक्स ना, पगलाओ पगलाओ मत, 1 मिनट में पगलाने लगते हैं ऐसे। ये देखो ये लल्लू सवाल आ रहा है इससे, है ना। तो ऐसे सवाल छोड़ना नहीं है अपने को, है ना, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, आराम से बन जाता है, बस फार्मूला याद रखना है ठीक है दोस्त। तो हम आते हैं अब अपने दूसरे टॉपिक पे, आज इसको हम खत्म कर देंगे ठीक है दोस्त, एक दिन में एक चैप्टर तो होना ही चाहिए कम से कम। अब आओ हम आते हैं बल्क मॉडुलस पे। देखो हमने यंग मॉडुलस के बारे में सब कुछ तुम्हें को बता दिया, कोई ऐसी चीज जो हम तुमको ना बताओ यंग मॉडुलस के बारे में, बताओ। अरे बता दिया ना भाई, अरे जो मैं पढ़ा रहा हूँ अब इन्हें दिमाग में फिट कर लो, एकदम टाइप कर लो दिमाग में अभी का अभी, पढ़ने के बाद जो भी पढ़ रहे हो उसको जाके तुरंत रिवाइज करो, 60% दिमाग में तुरंत घुस जाएगा, क्वेश्चन लगाओ 90% घुस जाएगा, है ना। तो आओ बल्क मॉडुलस पे आते हैं, व्हाट इज बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस मैं पहले भी डिफाइन कर चुका हूँ, मान लो नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस बराबर क्या होगा बल्क मॉडुलस, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनटू स्ट्रेन, और कौन सा स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो अगर मुझे यहाँ से बल्क मॉडुलस लिखना होगा तो मैं बोलूंगा नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस मतलब एफ अपन ए, और यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बाई वी, हाँ पी से रिप्रेजेंट करते, क्योंकि यहाँ पे तुम अगर लिक्विड की वजह से कर रहे हो तो लिक्विड का जो प्रेशर होगा ना वही तो स्ट्रेस होगा। अरे देखो यहाँ पे एक बॉल है उसको तुम चारों तरफ से दबा रहे हो, मतलब उस पर प्रेशर जो लगा रहे हो, प्रेशर का फॉर्मूला ही होता है फोर्स अपॉन नॉर्मल एरिया, प्रेशर का फॉर्मूला ही होता है फोर्स अपॉन नॉर्मल एरिया, तो तुम नॉर्मली ही तो लगा रहे हो ना, नॉर्मली ही तो लगा रहे हो ना इस बॉल पे, है ना। तो इसका इस पे जो हो जाएगा ना
एफ बाई ए को हम बोल देंगे प्रेशर, और चूंकि अगर दब रहा है तो डेल्टा वी कम हो रहा है, तो ये प्रेशर अपन क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा वी इंटू वी। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस के फॉर्मूले में कोई दिक्कत, जिसमें पी क्या है, कितना प्रेशर लगाया गया इंक्रीज किया गया, वी क्या है ओरिजिनल वॉल्यूम है, डेल्टा वी क्या है चेंज इन वॉल्यूम है। निगेटिव साइन क्या बता रहा है कि अगर प्रेशर आप पॉजिटिव रखेंगे, प्रेशर इंक्रीज करिएगा तो वॉल्यूम घटेगा, और वॉल्यूम इंक्रीज करिएगा तो प्रेशर, सॉरी, और प्रेशर डिक्रीज करिएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, हाँ या ना? अरे बोलो यार, ओ भाई। अब उसके बाद हम आते हैं कंप्रेसिबिलिटी पे। तो कंप्रेसिबिलिटी नाम की कोई चीज क्या है ना, कि कंप्रेसिबिलिटी नाम की जो चीज है वो बल्क मॉडुलस के उल्टा है। मतलब बल्क, कभी देखो क्वेश्चन में तुमसे पूछेगा ना कि कंप्रेसिबिलिटी बताइए, तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब 1/k। अब k का फॉर्मूला तुमको आता है, क्या होता है, पी वी अपॉन डेल्टा वी, तो डेल्टा वी ऊपर चला गया, तो दिस इज कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, अब तुमसे पूछा जा सकता है कि यूनिट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी क्या है, बल्क जो मॉडुलस है, जो बल्क मॉडुलस है इसका यूनिट क्या है, इसका डायमेंशन क्या है, तो ये सब तुम निकाल सकते हो, निकाल के मुझे जल्दी जल्दी बता दो, हाँ या ना? अरे बोलो यार, अरे बोलोगे तुम्हें से कोई बोलेगा नहीं क्या जी? डायमेंशन, कंप्रेसिबिलिटी का डायमेंशन बताओ, एम एल इनवर्स टी माइनस टू। मुझे तो नहीं लग रहा है कंप्रेसिबिलिटी का यही होता है, कितने लोग कह रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी का, इसी पे माइनस लगा दूं, माइनस लगा दूं ना इसी पे, तो ये -1 L T² ये कंप्रेसिबिलिटी का है ना डायमेंशन, दिस इज द डायमेंशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। कितने लोग कह रहे हैं यस सर, बिल्कुल सही, मजा आया। अरे बोलो, यही ना, एक देखो बल्क मॉडुलस क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेन अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब चूंकि तुम लिक्विड से दबा रहे हो तो लिक्विड जो नॉर्मल प्रेशर लगा रहे हैं वही हो गया, तो ए पी, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फार्मूला तुमको पहले से ही पता है, डेल्टा वी अपन भी पहले ही बता चुका हूँ ना, चेंज इन वॉल्यूम अपन इनिशियल वॉल्यूम। चूंकि प्रेशर तुमने बढ़ाया है तो वॉल्यूम घटेगा, इसीलिए हम माइनस लगा रहे हैं, बस खत्म। अरे तुम प्रेशर बढ़ा रहे हो ना तो वॉल्यूम घटेगा, और अगर यही प्रेशर निगेटिव होता, मतलब प्रेशर घटाते तो वॉल्यूम बढ़ता, तो पॉजिटिव लगाते हैं। ठीक है, इस केस में यहाँ फिगर में देखो, मैंने वॉल्यूम घटाया है, बढ़ाया नहीं है। अब देखो, अब चूंकि देखो जब हमें इसकी बात करनी हो, लिक्विड में कंप्रेस अगर मैं कर रहा हूँगा किसी चीज़ को, तो उसके लिए तो फिक्स है, यही फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर जब गैस की बात आती है ना, तो गैस के पास ना दो तरीके के बल्क मॉडुलस हो जाते हैं। गैस के पास कितने तरीके के, दो तरीके के, क्योंकि तुमने पता है गैस में एक आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाता है, एक एडियाबेटिक प्रोसेस हो जाता है, हाँ या ना? तो जो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी होता है उसको ई थीटा से रिप्रेजेंट कर लो, और जो एडियाबेटिक इलास्टिसिटी है उसको ई फाई से रिप्रेजेंट कर लो। अब हम इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहला क्रिस्टल क्लियर रखना कि अगर लिक्विड में तुम की बात कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, पी वी अपॉन डेल्टा भी हो जाएगा माइनस में, हाँ या ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे तुम लिक्विड में बात करोगे तो इसमें आइसोथर्मल एडियाबेटिक की तो बात नहीं होती है, लेकिन जब हम गैस की बात कर रहे थे, याद है, अरे पढ़ाया था मैं तुम लोग को थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा चुका हूँ, नई भी जो लोग पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं है। दो तरीके का इलास्टिसिटी हो जाता है गैस के लिए, ठीक है, एक आइसोथर्मल इलास्टिसिटी हो जाता है और एक एडियाबेटिक इलास्टिसिटी हो जाता है। ठीक है, तो देखो, इलास्टिसिटी प्रोड्यूस बाय अ गैस इन आइसोथर्मल कंडीशन, देखो हर हर चीज के अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी है, इलास्टिसिटी है, अरे है कि नहीं? सॉलिड में भी इलास्टिसिटी है, लिक्विड में भी इलास्टिसिटी है, गैस में भी इलास्टिसिटी है। तो
तो अगर इलास्टिसिटी कोई गैस के अंदर तुम इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर रहे हो या फिर कोई भी गैस इलास्टिसिटी प्रोड्यूस कर रही है अगर आइसोथर्मल कंडीशन में, तो उसको हम कहेंगे आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। नहीं समझ में आ रहा है? बोलो मित्रों। अब तुम्हें पता है कि आइसोथर्मल में ना टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अब हम हर गैस के लिए क्या लगा सकते हैं? पीवी बराबर एनआरटी लगा सकते हैं। एनआरटी कांस्टेंट है तो पीवी बराबर कांस्टेंट, या फिर ऐसा कह लो कि अगर सर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वाइल्स ला लगा सकते हैं। हाँ या ना? लगा नहीं सकते हैं? बोलो भाई। बस अगर लगा सकते हैं ना तो आराम से तुम फिर तो कर लेगा। अब इसको थोड़ा डिफरेंशिएट कर दो तो क्या होगा? पहले इसको डिफरेंशिएट करो, पी डी वी प्लस वी डी पी बराबर 0। तो पी की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे तो ये हो जाएगा माइनस वी डी पी अपॉन डी वी। अब देखो डी पी को हम क्या कहेंगे? स्ट्रेस कहेंगे, और डी वी अपॉन वी को स्ट्रेन कहेंगे। तो ये हो, ये किसके बराबर हो जाएगा? इलास्टिसिटी के बराबर हो जाएगा, थर्मल इलास्टिसिटी के बराबर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? तो यहां से एक निष्कर्ष देख रहे हो, कभी पूछता है ना कि आइसोथर्मल कंडीशन में गैस का इलास्टिसिटी बताओ, तो उसके प्रेशर के बराबर होता है। ये ध्यान से देखो। अरे माइनस बी डी पी अपॉन डी वी जो है प्रेशर के बराबर है ना, तो उस गैस का जो प्रेशर होगा ना वो आइसोथर्मल कंडीशन में उसके इलास्टिसिटी के बराबर होगा। ये बहुत सारे एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुआ है, बार बार रिपीट हुआ है, एक दो बार नहीं, बार बार। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये बार बार रिपीट हुआ है, जो कि हमारे दिमाग से उतर जाता है, हमें यहाँ तक याद रहता है, यहाँ तक हमें अच्छे से याद रहता है, लेकिन गैस वाले केस में ना उतर जाता है। मतलब अगर गैस वाले का तुम इलास्टिसिटी पूछो, किसी भी गैस की इलास्टिसिटी पूछो, तो मैं तो बताऊंगा कि जो गैस का प्रेशर है ना उसकी इलास्टिसिटी के बराबर होता है। कौन से कंडीशन में? आइसोथर्मल कंडीशन में। कितने लोग का ये मानना है कि यस सर? बढ़िया बात। अब एडियाबैटिक में कुछ नहीं होता है, एडियाबैटिक में प्रेशर का गामा गुना हो जाता है। एडियाबैटिक में गामा इंट्रोड्यूस करे थे ना, तो क्या हो जाता है? गामा इंटू प्रेशर। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि एडियाबैटिक कंडीशन में किसी भी गैस की इलास्टिसिटी बताओ, तो क्या होगा? गैस का प्रेशर मल्टीप्लाई भाई गामा। अब गामा क्या होता है? बुशरा बताएगी, बताओ भाई। बुशरा गामा क्या होता है? बुशरा एक्सपेंशन होता है। अरे गामा एक ही चीज है यार, एडियाबेटिक प्रोसेस में हम गामा इंट्रोड्यूस करे थे, तो थर्मोडायनेमिक्स से ही पूछ रहा है ना। तुमने कहाँ पढ़ा है गामा? एक ही जगह पढ़ा है, सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स में, और यहाँ एडियाबेटिक की बात चल रही है। हाँ भाई बुशरा जी बताइए, आपने एग्जाम भी दे लिया, लीनियर एक्सपेंशन क्यों? थर्मोडायनेमिक्स तो बहुत प्यार से पढ़ाया था मैंने शिद्दत के साथ, क्यों याद नहीं आ रहा भाई? डायरेक्टर चली गई। हाँ, वो पता है, दैट इज थर्मल एक्सपेंशन। वो अल्फा बीटा गामा की मैं बात नहीं कर रहा, एडियाबेटिक प्रोसेस में जो मेयर्स फॉर्मूले में मैंने जिस गामा को इंट्रोड्यूस करवाया था उसकी बात कर रहा हूँ। सीपी बाई सीबी। अरे भूल गई यार, कैसे क्लियर करोगी तुम? हाँ भाई कशिश, सीपी क्या होता है? गामा बराबर, बहुत फार्मूला पढ़े थे, 1+2/f पढ़े थे, गामा बराबर सीपी बाई सीवी पढ़े थे। भाई क्या ही मसला है भाई, सब भूल गए यार? तुमसे अच्छी तो मेरी याददाश्त है, कम से कम मुझे थोड़ा बहुत याद तो है। तुम लोग नौजवान हो, तुम लोग को तो याद होना चाहिए, है ना? और कोई टेंशन वेंशन भी नहीं है, सिर्फ खाना है, पढ़ना है, टहलना है, आप ही भूल रही हो। हाँ भाई समझ में आया, एडियाबैटिक इलास्टिसिटी क्या होता है? गामा टाइम होता है प्रेशर की। तो
तो ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है, दोनों क्वेश्चन रिपीट हुए हैं बार बार, एक दो बार नहीं बार बार रिपीट हुए हैं। मैं इसको पीले रंग से वो कर देता हूँ, बार बार लगा देता हूँ इस पे, दिख रहा है यार? तुम लोग बहुत नहादे हो यार, गधेड़े हो, क्या ही कहूँ तुम लोग को। बताओ तुम लोग भूल गए थर्मोडायनेमिक्स, इतना प्यार से पढ़ाया था, इतना टाइम दिया था। उधर बुसरा चिल्लाने लगी थी, यार सर रहने दीजिए अब, आगे पढ़ाइए आगे पढ़ाइए, और भूल गई। बताओ भाई बुसरा, बुशरा अब बोलेगी नहीं है। अब देखो डेंसिटी ऑफ कंप्रेस्ड लिक्विड क्या होता है, किसी भी लिक्विड को कंप्रेस करने पे जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, ध्यान से सुनना। तुम बताओ कंप्रेस करोगे तो डेंसिटी बढ़ेगी कि घटेगी? अरे बताइए जनाब। हाँ बढ़िया बात बोले भाई, बढ़िया बात, बढ़ेगी। देखो कम, हाँ कंप्रेस करोगे तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। अगर रो बराबर क्या होता है, एम अपान वी, तो मैं डेल्टा रो बराबर बोलूँ तो कहोगे सर एम अपान डेल्टा वी, क्योंकि मास तो चेंज ही, मास तो सेम ही रहेगा, हाँ या ना? बोलो ना भाई, अरे कुछ बोलिएगा। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूँ ना, अगर मैं दोनों का रेशियो लूँ तो मैं बोलूँगा डेल्टा रो अपान रो बराबर भी अपान डेल्टा भी। इस बात से सहमत हो? इक्वेशन नंबर वन। दूसरा, बल्क मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है, के बराबर क्या होता है, पी वी अपान डेल्टा भी। अब वी अपान डेल्टा भी को रिप्लेस कर दो किससे, ये माइनस में ले लो, क्योंकि वॉल्यूम हम घटा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं ना कि फैला रहे हैं। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, डेल्टा रो अपान रो, हाँ या ना? अरे बोलो यार, तो लिख लो के अपान पी इज इक्वल टू, नहीं समझ में आ रहा है क्या, यहां से लिखो क्या, डेल्टा वी माइनस डेल्टा वी बाई वी को लिख लो के अपान रो, तो ये हो गया के अपान डेल्टा रो अपान रो। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि जो डेल्टा रो अपान रो होगा, मैंने कुछ गलती लिख दिया क्या, मैंने कुछ गलती लिखा है क्या? देखो कंप्रेस कर रहे हैं ना, तो यहां पे भी निगेटिव साइन होगा, और कंप्रेस कर रहे हो डेल्टा तो ये निगेटिव ही होगा ना, डे चेंज इन, जो चेंज इन वॉल्यूम हुआ कंप्रेस करने पे कम हुआ ना, तो डेल्टा तो निगेटिव ही होगा, यहाँ पे भी निगेटिव होगा, हाँ या ना? नहीं समझ में आ रहा है इसको, इसमें इसमें इसको भाग दो, तो डेल्टा रो अपान रो जो होगा वी अपान डेल्टा वी होगा। अब जो के की वैल्यू है, पी वी अपान डेल्टा वी होता है, अभी हमने पीछे फार्मूले में पढ़ा, तो ये होगा के अपॉन पी इज इक्वल टू डेल्टा रो अपॉन रो। यहां तक किसी को कोई डाउट? अरे बोलो ना, नहीं डाउट है ना? तो इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बताओ क्या हो जाएगा, के रो इज इक्वल टू पी, और डेल्टा रो को क्या लिख सकते हो, रो फाइनल माइनस रो इनिशियल। अरे चेंज इन रो क्या होगा, रो फाइनल माइनस रो फाइनल माइनस रो। अब इसको इधर भेज दो तो ये हो जाएगा रो के प्लस रो पी इज इक्वल टू रो डैश फाइनल, हाँ या ना? बोलो भाई, मैंने कुछ गलती कराई क्या, मैंने कुछ मिस्टेक कराई क्या? इन्होंने देखो क्या रखा है, इन्होंने रो बराबर एम अपन भी रखा है, ठीक है, तो डेल्टा रो अपान रो इज इक्वल टू डेल्टा भी अपान भी रख लिया। ओके एक मिनट, इसको डिफ्रेंशिएट करना, रो भी बराबर क्या होगा एम, एम तो कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएट करो, रो डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा रो बराबर जीरो, तो यहां से तुम डेल्टा वी अपन भी निकालना,
रो डेल्टा वी इज इक्वल टू वी डेल्टा रो, तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा वी, डेल्टा डेल्टा वी अपन वी, डेल्टा वी अपन वी इज इक्वल टू डेल्टा रो अपन रो। मैंने भी तो यही करा ना, इन्होंने कुछ गलती करा है क्या? अरे मैंने मैंने भी तो मैंने कहाँ गलती करा है? ओ सॉरी सॉरी, उल्टा कर दिया, ओ गलती कर दिया, हाँ सॉरी सॉरी, मैं भी सोचू क्यों रिजल्ट उल्टा आ रहा है। आज समझ में आया, मैं डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको, तो ये डेल्टा वी अपन वी इक्वल टू डेल्टा रो अपन रो, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? ठीक, तो ए डेल्टा वी अपन वी कर लो, और डेल्टा वी अपन वी को तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, डेल्टा वी अपन वी को डेल्टा पी अपन के, अरे यंग मॉडुलस बराबर यही होता है, सॉरी बल्क मॉडुलस बराबर यही होता है ना, तो इसको लिख लो डेल्टा पी अपन के बराबर। डेल्टा रो को क्या लिख सकते हो? रो फाइनल माइनस रो अपन रो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा गाइज, या इसको इधर भाग दे दो, डेल्टा पी अपन के इज इक्वल टू रो फाइनल अपन रो माइनस वन, इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा रो फाइनल अपन रो इज इक्वल टू वन प्लस, अब देखो 1/k को तुम 1/k को कंप्रेसिबिलिटी कह सकते हो, तो डेल्टा पी सी कह सकते हो ना, 1/k को कंप्रेसिबिलिटी, तो रो फाइनल इज इक्वल टू रो इंटू वन प्लस डेल्टा पी सी। यहाँ तक कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जो फाइनल डेंसिटी आती है ना कंप्रेस करने पर, वो क्या आता है? 1 प्लस प्रेशर इंटू कंप्रेसिबिलिटी इंटू इनिशियल डेंसिटी। अरे तुम इसको डायरेक्ट वो भी कर, अरे वो कर सकते हो ना यार, इसमें तुम इसको डिराइव नहीं कर लोगे अगर याद नहीं रहा तो? बोलो भाई, इसमें अरे इसमें कोई तगड़ा चीज थोड़ी ना था, तुम्हें पता है रो बराबर, तुम्हें कुछ नहीं पता तो इतना तो पता है ना, रो बराबर क्या होता है? मास इंटू वॉल्यूम, सॉरी एम बराबर क्या होता है? एम बराबर क्या होता है? मास इंटू रो इंटू वॉल्यूम। अब तुमको चाहिए ना कि रो में अगर हम मान लो अगर हम कंप्रेस करते हैं, वॉल्यूम कम करते हैं, तो कितना रो बढ़ जाएगा? अगर तुम वॉल्यूम क्या करो घटा रहे हो, तो डेंसिटी गैस की बारे में बात चल रही है, अगर गैस को तुम घटा रहे हो तो रो फाइनली कितना हो जाएगा? मान लो मैं बोलूँ कि इसको तुमने ना V/2 कर दिया, तो ये कितना फाइनली बढ़ गया, तो कैसे करोगे? बोलोगे कि सर डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करा तो 0 हो गया, ये हो गया रो डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा रो, तो यहाँ से वी डेल्टा रो को क्या लिख दिए? रो डेल्टा वी लिख दिए, हाँ या ना? बोलो, अब डेल्टा रो को क्या बोल दिए? डेल्टा रो को बोल दिए, और डेल्टा रो अपन रो को बोल दिए सर डेल्टा वी अपन वी। अब तुमको पता है जो बल्क मॉडुलस होता है वो क्या होता है? डेल्टा पी इंटू वी अपन डेल्टा वी होता है माइनस में, तो तुम इसको डेल्टा वी अपन वी की वैल्यू क्या लिख सकते हो? डेल्टा वी अपन वी की वैल्यू क्या लिख सकते हो? डेल्टा पी अपन के, अब 1/k को कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं, तो डेल्टा वी अपन वी इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू सी, तो इसके जगह पे क्या लिख दो? डेल्टा पी इंटू सी, डेल्टा पी इंटू सी, हाँ या ना? अरे माइनस में है, और ये भी तो माइनस में ही है, कौन सा प्लस में है? ठीक है, ये भी तो माइनस में ही है ना, तो डेल्टा रो अपान रो इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू सी। अब देखो डेल्टा रो को रो फाइनल माइनस रो इनिशियल अपान रो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? डेल्टा पी सी लिख सकते हो। अब इसको यहाँ से भाग दे दो, तो रो फाइनल अपान, देखो ये है रो फाइनल, दिस इज रो फाइनल अपान रो इज माइनस वन इज इक्वल टू डेल्टा पी सी, रो से रो में भाग दिया तो वन हो गया, अब वन को इधर भेज दो, तो रो फाइनल अपन रो इज इक्वल टू डेल्टा पी सी प्लस वन, तो रो फाइनल, फाइनल डेंसिटी क्या हो गई? डेंसिटी इंटू वन प्लस पी सी, डेंसिटी इंटू वन प्लस पी सी डेल्टा पी सी। अब ये फार्मूला या तो याद रख लो, या फिर क्वेश्चन आए तो डिराइव कर लेना, EMU में शायद ही क्वेश्चन आएगा, JEE वगैरह में आता है, पर फिर भी हो सकता है कि EMU में आ जाए, BSC में तो शायद ही आए, पर आ सकता है। कितने लोगों की बात समझ में आ रही है? बोलो भाई, नहीं आया? अरे कितना डेंसिटी में चेंज होगा अगर तुम कंप्रेस करोगे, तो डेंसिटी में कितना चेंज होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, क्या होगा? ठीक है,
अब फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस ऑफ स्फीयर, अगर तुम किसी रेडियस को मान लो पी प्रेशर से, मान लो इसमें पानी में डाल के हाइड्रोलिक प्रेशर से या किसी भी प्रेशर से तुम उसको दबा रहे हो, तो उसमें फ्रैक्शनल चेंज कितना होगा, ये बहुत ही सिंपल होता है कैलकुलेट करना। तो उसको हम कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ, सिंपल होता है। देखो फ्रैक्शनल चेंज कैसे कैसे कैलकुलेट करना चाहिए हमें, मेरी बात दिख रही है तुम्हें? क्वेश्चन में पूछा हुआ है, कई बार जी में सवाल आ चुका है, फ्रैक्शनल चेंज पूछा जाता है। तो इसको देखो, वी बराबर होता है 4/3 πr³। अब तुमसे फ्रैक्शनल चेंज पूछ रहा है ना, तो इसको सब मान के चलो डिफरेंशिएट करके ही हम कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट करो, डेल्टा वी बराबर होगा 4/3 π। अब आर क्यू को डिफरेंशिएट करोगे तो 3r² Δr हो जाएगा, हाँ है ना। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू 4/3 4/3 π कट गया, ये अब सॉरी 4/3 4/3 π करके r² से r² कट गया, डेल्टा आर अपन आर। तो यहां से तुम्हें समझ में आया 3 Δr/r, मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है यहां से निष्कर्ष, ये जो तुम्हें रेडियस में फ्रैक्शनल चेंज होगा ना, वो वॉल्यूम में फ्रैक्शनल चेंज के 1/3 के बराबर होगा, मतलब डेल्टा आर बाई जो आर आ रहा है ना, 1/3 Δv/v आ रहा है, या तुम इसको कह सकते हो डेल्टा आर बाई आर जो होगा 1/3 वॉल्यूम स्ट्रेन। कितने लोगों को बात समझ में आई, यहां सर समझ में आ गई? अबे ये नहीं समझ में आ रहा है फ्रैक्शनल चेंज, तो ये हमें याद रख, अरे कुछ याद नहीं रखना है, इजिली हो जाता है। अब वॉल्यूम स्ट्रेन को तुम लिख ही सकते, हाँ वॉल्यूम स्ट्रेन को तो तुम स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस के टर्म में कन्वर्ट कर ही लोगे, तो ये तो तुम कर ही सकते हो, ठीक है। चलो सवाल लगाओ, ये कर सकते हो, बोलो गाइस कर पाओगे? व्हेन अ प्रेशर ऑफ 100 atmosphere इज अप्लाइड एन ए स्फेरिकल बॉल ऑफ रबर, देन इट्स वॉल्यूम रिड्यूस टू इतना, द बल्क मॉडुलस ऑफ मटेरियल क्या होगा? डाइन मतलब सीजीएस में ही पूछ लिया है,
हाँ भाई बताओ। हाँ ऑप्शन सी। अरे सवाल में कुछ क्या था है ना, इस सवाल में क्या है। व्हेन अ प्रेशर ऑफ 100 एटमॉस्फेयर इज अप्लाई टू एन स्फेरिकल बॉल, एक रबर का स्फेरिकल बॉल है, इस पे चारों तरफ से कितने का प्रेशर लगाया जा रहा है। 100 ATM का, 100 ATM का प्रेशर लगाया जा रहा है ना, तो उसका वॉल्यूम कितना रिड्यूस हो जाता है। डेल्टा वी बराबर 0.1, 0.01% रिड्यूस हो जा रहा है। द बल्क मॉडुलस ऑफ रबर इज इतना डायमेंशन। ठीक है, तो एक काम करो ना यार, मान लो वॉल्यूम क्या था, वन था है ना, वन था। अब इसको क्या करना है ना, अब इसको क्या करना है कि तुमको तो इसमें डेल्टा भी कितना हुआ, वन में 0.1, 0.01 हो गया है ना। नहीं समझ में आ रहा है। अरे गाइज ठीक है, अब तुमसे क्या पूछ रहे हो ना, वल्क मॉडुलस पूछ रहे हो, तो वल्क मॉडुलस का फॉर्मूला मुझे बताओ, के बराबर क्या होता है, पी डेल्टा वी अपन, सॉरी पी वी अपन डेल वी, माइनस में लगा लो, माइनस में, माइनस तो ये बताता है कि क्या हो रहा है, पी वी अपन डेल वी, इस पे रख लो आराम से आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत। यहां तक में किसी को दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, अब कोफिशियंट ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिका इज रिलेटेड बाय। ठीक है हाँ भाई बताओ, ये कैसे रिलेटेड है, एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। बोलो बोलो कि अरे सर ई थीटा का फार्मूला होता है पी। अरे पगली टू, ई थीटा का फार्मूला क्या होता है पी, और ई फाई का फार्मूला क्या होता है गामा पी। भाग दे दो ना, हैं भाग दे दो, ई थीटा अपन ई फाई बराबर क्या हो जाएगा, 1/गामा, तो ई फाई क्या हो जाएगा, गामा टाइम ई थीटा, सिंपल। अरे बोलो ना यार, मैंने कुछ बड़ा कांड करवा दिया क्या, यहाँ कोई टफ चीज बता रहा हूं क्या। दोस्त बस सिंपल, तो ये मुझे नहीं लग रहा है इस क्वेश्चन में दिक्कत रहा होगा। अब ये सवाल एक और करके दिखाओ, फिर हम ना एंट्रेंस गैलरी में चलते हैं, लास्ट टॉपिक चल रहा है। इस क्वेश्चन को करो, ठीक है इस क्वेश्चन को करो, ये लगभग खत्म होने वाला है। उसके बाद मैं क्वेश्चन एंट्रेंस गैलरी का निकालता हूँ। इसमें क्या बोला गया, द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट, गामा की वैल्यू दे दी गई है, मेरे ख्याल से तो ये गामा की वैल्यू है 1.6। अरे देखो ये किसके लिए, आर्गन के लिए, आर्गन के लिए गामा की वैल्यू दी गई है। हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए गामा की वैल्यू क्या दी गई है, 1.4। अब क्या बोला जा रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ आर्गन एट प्रेशर पी इज ई है ना, इलास्टिसिटी ऑफ आर्गन एट प्रेशर पी, इलास्टिसिटी ऑफ आर्गन मतलब इलास्टिसिटी ऑफ आर्गन एट प्रेशर पी इज ई दे रख, इन्होंने ई दे रखा है क्वेश्चन में, इन्होंने ऑलरेडी बोल रखा है कि दैट इज ई है ना। अब बोल रहा है एडियाबेटिक इलास्टिसिटी, एडियाबेटिक इलास्टिसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल, इज आल्सो इक्वल टू ई। तो आपको बताना है प्रेशर क्या रहा होगा, तो आपको बताना है प्रेशर क्या रहा होगा। तो कुछ नहीं यार, ई फाई ए आर दे रखा है ना आर्गन के लिए, वो किसके बराबर होगा,
गामा पी के बराबर होगा ना, अरे गामा पी के बराबर होगा, मान लो प्रेशर पी रहा होगा तो गामा पी के बराबर होगा ई। यहाँ पे गामा हाइड्रोजन इंटू पी के बराबर होगा ई, ये दोनों बराबर है तो मैं कह सकता हूँ गामा आर्गन, अरे क्या कह सकता हूँ, ई एट द प्रेशर, ठीक है इसका प्रेशर हमको नहीं पता है पी डैश, तो गामा आर्गन इंटू प्रेशर बराबर गामा हाइड्रोजन इंटू पी डैश, तो पी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगा, गामा आर्गन अपान गामा हाइड्रोजन इंटू पी। भाई ये फार्मूला अगर तुम नहीं जान रहे होते ना तो तुम्हारे लिए बवाल होता, बवासीर होता पूरा का पूरा, लेकिन ये फार्मूला तुमको पता है ना तो ये कुछ नहीं है क्वेश्चन, इसको कर लो 1.6 अपान 1.4 इंटू प्रेशर पी, तो ये हो जाएगा 14, 14 8/7 इंटू पी। अब भाई जिसको फार्मूला याद है ना उसके लिए तो लल्लू सवाल है, लेकिन सच बता रहा हूँ अगर तुमको फार्मूला नहीं आता है और साथ में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना तो ये बवासीर सवाल है, क्योंकि मैं जब पहली बार देखा था ना अपने टाइम में तो मुझे पल्ले नहीं पड़ा था, क्योंकि मुझे सच कहूँ तो फार्मूला ही नहीं याद था। अरे तुम जो क्लास आज दिन में आज अभी का क्लास अटेंड नहीं किया ना उसको ये सवाल दे के देखना, उसकी सुक्की पुक्की बंद हो जाएगी। अरे तुम्हें पता चल रहा है कहाँ का सवाल है, कई लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का लेना है या कहाँ का लेना है, नहीं पल्ले पड़ा। अरे ये सवाल लल्लू सवाल था, अब क्या ही बताऊं तुम लोग को, इतना बढ़िया मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम लोग को सिखाने के लिए पर तुम लोग कुछ पूरा दिल तोड़ देते हो यार, धीरे धीरे बोलोगे आ गया सर, गुड। तो चलो अब एंट्रेंस गैलरी में थोड़ा चलते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं और देखते हैं। हाँ भाई तो आ जाओ एंट्रेंस गैलरी में थोड़ा सा, हाँ ये दिख रहा है, ये सवाल देखो ये कितना लुल्ले सवाल है, द एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन इज इतना, द फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा वी दिया है, द वाटम ऑफ ओशन, बल्क मॉडुलस बताइए। अबे बल्क मॉडुलस में क्या है, बल्क मॉडुलस क्या होता है गाइस, पी इन पी अपान डेल्टा वी अपान बी, हाँ या ना। अब प्रेशर, अब प्रेशर कैसे निकालेंगे, तो प्रेशर जो होता है अगर किसी नीचे समुद्र के हाइट में एच हाइट नीचे जाओगे ना तो उस पे तुम पे प्रेशर जो लगता है वो कितना लगता है, प्रेशर जो लगता है ना वो रो जी एच लगता है, रो जी एच, ये पढ़े होगे, ये मैं अभी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी याद रख लो कि अगर तुम नदी के अंदर होते हो ना या समुद्र के अंदर होता है तो हाइड्रो, हाँ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगता है उसको कहते हैं रो जी एच, तो पी के जगह रख दो रो जी एच, ठीक है हाइट दिया ही हुआ है डेंसिटी दी हुई है और जी पता ही है, हाँ है ना, और डेल्टा वी अपन भी कितना होगा ये दे ही दे रखा है, तो इस सवाल में कुछ है मेरे ख्याल से तो नहीं है। अरे कितने लोग कह रहे हैं कि है सर टफ सवाल था, वैसे पूछ रहा तुम बोल क्यों नहीं रही थी तब से बुशरा, ओ अच्छा जी, ये बढ़िया था गुरु, ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या हुआ अच्छा अब इसमें क्या पूछा गया है सच में बढ़िया था। चलो एक क्वेश्चन बताओ बुशरा, आप तो नवाज ठीक है ना, आप बताओ, अब बोल रहा है कि प्रेशर कितना हो कि ना वॉल्यूम को इतना परसेंट क्या कर दिया जाए, डिक्रीज कर दिया जाए, बल्क मॉडुलस दे दिया गया है, बल्क मॉडुलस दे दिया गया है, तो लल्लू सवाल है कि नहीं है, कैसे करेंगे, डेल्टा भी दे दिया है ना, अरे डेल्टा भी तो दे ही दिया है, इनिशियल भी तो दे ही दिया है, तो कैसे कर देंगे प्रेशर प्रेशर बराबर क्या तुम्हें पता है के बराबर क्या होगा, पी इंटू डेल्टा वी अपान वी, इसको इधर कर लो तो प्रेशर बराबर क्या हो गया के डेल्टा वी अपान वी, अब डेल्टा वी अपान वी निकाल लो क्योंकि परसेंटेज में दिया है तो उसको उसमें चेंज कर लो, नहीं कर लोगे,
अरे देखो बल्क मॉडुलस से क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत सिंपल सवाल आ रहे हैं, पता नहीं तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं मुझे नहीं पता बट तुम्हें दिखना चाहिए। जीरो पॉइंट जीरो जीरो एट, ठीक है, वी का 0.0/100। हाँ ठीक है, ठीक है, ये हो गया ए डेल्टा वी, दिस इज डेल्टा वी, सिंपल। ठीक, हम देखो अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल। ठीक है, ए बी सवाल बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ अ ब्लॉक ऑफ एल्यूमिनियम डिक्रीज बाय 1%, इसने 1% डिक्रीज कर दिया है, ठीक है, प्रेशर पूछा जा रहा है तो निकाल नहीं लोगे, बल्क मॉडुलस दे दिया गया है तो फिर से प्रेशर निकालने का वही फॉर्मूला। देखो डायरेक्ट फॉर्मूले पे सवाल आ रहा है, तुम्हें कुछ दिख रहा है कि सवाल कैसे आ रहे हैं प्रीवियस ईयर में? डायरेक्ट फॉर्मूले पे, डायरेक्ट फॉर्मूले पे आ रहा है, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? दो चार करा दूं क्या? ये सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, मैं करा नहीं रहा। अब तुम ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये सवाल जो ना यूपीटी में आया था और मेरे टाइम पे भी बच्चे कंफ्यूज हुए थे, बोल रहा है हाँ AKTU, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड का बल्क मॉडुलस क्या होगा? तो तुम बताओ जो इनकम्प्रेसिबल है मतलब कंप्रेसिबिलिटी जीरो है तो उसका के क्या होगा? 1/0, इनफाइनाइट होगा, हाँ या ना? हाँ या ना? अरे बोलो ना जनाब, डी ऑप्शन पता नहीं, लेकिन लेकिन अरे कंफ्यूज करने के लिए यार, बच्चों को कंफ्यूज यही सब दिखा के करते हैं सब, है ना? लेकिन समझ में आ रहा है ना? बताओ भाई, नहीं यार लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि तुम लोग कंफर्टेबल हो। हाँ भाई, अब देखो अभी मैं चेंज इन डेंसिटी का फार्मूला तुमसे बोल रहा था ना कि चेंज इन डेंसिटी डेल्टा रो, अब उस पर भी सवाल आया हुआ है। मेरे हर एक फार्मूले पे तुम देखोगे ना, जितना फार्मूला बताया हूँ सब पे PYQ में आया हुआ है, अब इसमें आया हुआ है DEC में। अब इसको करने के लिए तुम करके दिखाओ मुझे, मुझे पता है तुम कर लोगे, दो लल्लू सवाल है ना, दो दो टके का, लेकिन फिर भी करके दिखाओ। कैसे बोलोगे? बोलोगे कि सर जो एम होता है ना वो रो वी के बराबर होता है, नहीं फार्मूला याद है, मान लो गजनी हो तुम, है ना, फार्मूला याद नहीं है, प्रोसेस याद है, तो तुम इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो रो डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा रो, यही डिफरेंशिएशन पे कर रहे हैं पे आएगा ना, वी डेल्टा रो बराबर 0, तो रो डेल्टा वी बराबर माइनस वी डेल्टा रो। तो यहां से तुम चेंज इन डेंसिटी पूछा जा रहा है ना, तो डेल्टा रो इज इक्वल टू रो डेल्टा वी अपॉन वी। अब देखो डेल्टा वी अपॉन वी को थोड़ा सा उससे वो कर दो ना, तो तुमको पता है के बराबर क्या होता है, पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी, तो डेल्टा वी अपॉन वी को क्या लिख सकते हो, पी अपॉन के, तो इसको लिख लो ना रो पी अपॉन के, कौन सा आंसर है, रो पी अपन के। अब जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, ये डिफरेंशिएशन वाला मामला समझ में नहीं आता होगा, तो उसको देना देखना घंटा समझ में नहीं आएगा, सवाल पल्ले ही नहीं पड़ेगा, जबकि 2 टके का सवाल था, हाँ या ना? अरे बोलो ना यार, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बहुत ही सही बात है। अभी बोलो, अब जरा देखना ध्यान से इस सवाल को करो, प्रेशर ऑफ मीडियम चेंज इतना किया गया, अरे मीडियम इतना चेंज कर दिया गया है ना, ये सवाल दिख रहा है 43 IIT जेई वाला, जे एडवांस का सवाल है, आराम से करना, ठीक है, जे एडवांस, अरे मेंस के बाद होता है ना जो, दैट्स सही एडवांस। तब तक मैं क्वेश्चंस ढूंढ लूँ, और कौन सी इस पे क्वेश्चंस है, तुम्हें दिख रहा है बल्क मॉडुलस से कितना सवाल आ रहा है, दबा के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबसे ज्यादा यंग मॉडुलस से, फिर बल्क मॉडुलस से, और इनसे इनके सवाल मुझे नहीं लगता है कि बचेंगे।
नहीं आ रहा ना। बल्क मॉड्यूलस का फार्मूला बोलो। डेल्टा पी अपन डेल्टा वी बाई वी। तो अभी बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, डेल्टा पी इंटू वी अपन डेल्टा वी। इसमें क्या क्या दिया है, डेल्टा पी दे रखा है, तो फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, तो 1.165 इंटू 10^5 माइनस 1.01 इंटू 10^5 इंटू वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना क्या 10% चेंज किया गया। मान लो वॉल्यूम 100 है तो डेल्टा कितना हो गया, 10 हो गया, और अपान में 100 हो गया, 10 से 10 कट गया। सॉरी हाँ भाई एडवांस का है शक लग रहा है क्या, ये 100 है वो 10 है, अब इसको सॉल्व कर लो आ जाएगा। अरे देखो आईटी वाले भी डायरेक्ट फॉर्मूला पे सवाल दे रहे हैं। हाँ जी बताइए। हाँ बताओ बताओ क्या हुआ कि क्या मारे हो, किसको रीडिट मारे हो। हाँ किसका, अच्छा ठीक है आएगा तो बता दूंगा, आएगा तो हेलो। हाँ भाई दोस्त, अरे आईटी का सवाल था, तगड़ा सवाल था क्या है, मुझे तो तगड़ा, अबे लिखा हुआ है यार आईटी जे किताब वाले क्यों फालतू बतियाएंगे हैं। अरे भाई नहीं, तुम्हें तो पहले का क्या मतलब पहले आईटी आसान होती थी क्या भाई, पहले तो आउट ऑफ होता था भाई ना। देखो ना आज आसान है, ना आज आसान है, ना कल आसान था। कुछ क्वेश्चन वो लोग देते हैं फार्मूला बेस्ड, हर एग्जाम में ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन देते हैं, लेकिन वो भी इस चैप्टर से कैसा फार्मूला बताएं, तुम बनाओ कैसा क्वेश्चन बनाएं, उन्हें पता है कि यार इस चैप्टर से इसी टाइप के फार्मूले आते हैं, बच्चा यही पढ़ता ही है इसमें। मैकेनिक्स तो है नहीं कि बहुत टफ बना देंगे, है ना, समझ रहे हो। अरे ना, कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चन आसान, मैंने पहले ही बोला चैप्टर शुरू करने के पहले कि इसके जो क्वेश्चन होते हैं ना सबसे बन जाते हैं, तुम जेई तक के क्वेश्चन बना लोगे क्योंकि वो लोग ऐसा ही देते हैं। यही नहीं, मैंने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया तब भी यही बात बोला था, थर्मोडायनेमिक्स के भी लगभग क्वेश्चन तुम बना लोगे, और तुमने देखा होगा जेई मेन में जो भी थर्मो के क्वेश्चन आया होंगे तुमको पल्ले पड़ रहा होगा, नहीं नहीं पल्ले पड़ रहा था क्या जेई के सवाल, पता नहीं यार गद कौन थर्मल एक्सपेंशन नहीं हुआ, हीट ट्रांसफर पढ़ाया नहीं था, पढ़ाया नहीं हुआ अभी, हाँ अभी पढ़ाया नहीं हूँ उसको, नहीं पढ़ाया था, बाकी तो हो जा रहे होंगे। अच्छा अरे कुछ नहीं, वो उस पर मैं किरचाफ ला से ही बता दिया होता, पर चलो कोई नहीं। अब हमने दो यूनिट खत्म कर लिए, लास्ट यूनिट है पाइथन रेशियो। अच्छा देखो तुम एक चीज गौर कर रहोगे कि अगर तुम खुद से इस चैप्टर को पढ़ते ना तो भी एक दिन में इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, ये तुमने गौर फरमाया, एकदम डेप्थ में तुमने पढ़ लिया, वन शॉट भले था लेकिन तुमने एक एक चीज खोल के रख दिया है, इसका पूरा पोस्टमार्टम कर दिया हूं तुम्हारे सामने, पता नहीं तुमने गौर फरमाया होगा कि नहीं, तुम्हें दिखा नहीं क्या, पता नहीं, चलो खैर छोड़ो। देखो पायसन रेशियो क्या होता है, पायसन रेशियो क्या होता है, मान लो एक आर एक एल लंबाई का वायर है, जब तुम इसको खींचोगे ना ध्यान सुनना तो ये पतला भी होगा, और अब तक हम इस चीज की बात कर ही नहीं रहे थे। अरे खींचोगे लंबाई तो बढ़ा लोगे लेकिन फिर इसकी रेडियस कम हो जाएगी, हाँ या ना, घट जाएगा ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पॉइसन रेशियो है, पॉइसन रेशियो जो है वो होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल मतलब एरिया मतलब रेडियस में कितना चेंज हुआ, द रेशियो ऑफ चेंज इन रेडियस टू ओरिजिनल रेडियस इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन। पॉइसन रेशियो क्या होता है, लेटरल लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, कितने लोग को फील हुआ, तो जो सिग्मा होगा
वो क्या होगा, लेटरल स्ट्रेन। और लेटरल स्ट्रेन क्या है, चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल रेडियस, मतलब डेल्टा आर अपन आर। तो इसको लिख दीजिए, डेल्टा डी आर अपन डी एल अपन एल। ठीक है, अब चूंकि माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि लेंथ बढ़ेगा तो रेडियस घटेगा, और रेडियस बढ़ेगा तो लेंथ घटेगा। तो पाइसन रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया, पाइसन रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया बताओ, डी आर अपन आर और फिर डी एल अपन एल, दिस इज पाइसन रेशियो। व्हाट इज दिस, दिस इज पाइसन रेशियो। अब इसका यूनिट वगैरह पूछा जाता है, तो ये क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, और यहाँ पे माइनस ध्यान में रखना, दिस इज यूनिटलेस, डायमेंशन भी लेस है। ठीक है, तो पाइसन रेशियो ये था। अब देखो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना कि रिलेशन बिटवीन वाई, वाई मतलब यंग मॉडुलस, के मतलब बल्क मॉडुलस, और ईटा 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 मतलब शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शेयर मॉडुलस मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। हाँ, और उसका वो अलग चीज है। और उसके बाद सिग्मा क्या है, पॉइजन रेशियो। तो इनमें एक रिलेशन होता है, ध्यान से देखना, रिलेशन कई बार पूछा गया है, कोई भी एक याद रख लोगे ना तो हो जाएगा। जैसे वाई बराबर होता है 3K1-2 सिग्मा, वाई बराबर होता है 3K1-2 सिग्मा। समझ में आ रहा है, किसके टर्म में है, के और वाई में रिलेशन, वाई और के में रिलेशन होता है, वाई बराबर 3K1-2 सिग्मा, और वाई बराबर 2 ईटा, क्योंकि कई बार आया हुआ है ना। अब तुम कैसे कर रहे हो इसको, ये तुम देख लेना, ये दो फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, तीसरा मत याद करो बड़ी लंबा है। इसके हेल्प से तीसरा तुम निकाल लोगे अगर कभी पूछ दिया तो। ठीक है, समझ में आ रहा है। और एक सवाल और कि इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है। ठीक है, समझ में आ रहा है गाइस, नहीं आ रहा है क्या, कितने लोगों को समझ में आया कि सर आपने जो जो पढ़ाया हमें समझ में आया। क्या समझ में आया बताओ, पॉइसन रेशियो बताओ, पॉइसन रेशियो क्या होता है, लेटरल शिफ्ट ऑफ वन लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट। ठीक है, अब इसमें जो एक क्वेश्चन होता है ना, ध्यान से सुनना, इसमें पॉइसन रेशियो की जो वैल्यू होती है पूछा जाता है, तो ध्यान से देखना, थियोरेटिकली जो इसकी वैल्यू है ना, थियोरेटिकली इसकी वैल्यू जो है -1 से 0.5 के बीच होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ये हमेशा 0 से 0.5 के बीच में आता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो एक क्वेश्चन है पॉइसन रेशियो की वैल्यू, अरे पॉइसन रेशियो की वैल्यू थ्योरेटिकली यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली 0 से 0.2 तक आता है प्रैक्टिकली। देखो यहाँ, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ पॉइसन रेशियो ऑफ मेटल लाइज बिटवीन, तो कहाँ से कहाँ तक, 0 से 0.5 तक, 0.5 से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये नहीं समझ में आ रहा है, बस याद रख लेना, अभी बताया, एक क्वेश्चन तुम करोगे। देखो EMCET में आया है, राजस्थान PET में आया है। हाँ भाई, शिट यार, हाँ देखो क्या बोल रहा है, क्या बोला गया है, द यंग मॉडुलस जो वाई है ना, वो ईटा का क्या है,
2.4 टाइम है, ठीक है। तो पॉइसन रेशियो पूछा गया है, तो अभी तुमने पढ़ा था वाई बराबर 2 eta 1 plus sigma, तो वाई जो है उसको 2.4 eta लिख लो बराबर 2 eta, मैंने फॉर्मूला तो सही लिखा है ना, ठीक है। और ए हो गया 1 plus sigma, 2 से उड़ा दो, ईटा से ईटा को उड़ा दो, ए हो गया 1.2 बराबर 1 plus sigma, तो सिग्मा के बराबर क्या हो जाएगा 0.2 आंसर। कोई डाउट है यहां तक तो बताइए जनाब। अरे मजा नहीं आया क्या? अब एक चीज जाते जाते एक और चीज दूंगा, ध्यान से देखना। तुम्हें पता होगा ना चाहिए कि जिसका मॉड्यूल ऑफ ऑफ इलास्टिसिटी हो ज्यादा होता है वो उतना ही अच्छा इलास्टिक होता है, नहीं? अरे जिसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जितना ज्यादा होगा वो उतना ही अच्छा इलास्टिक मटेरियल होगा। तो आओ हम थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। जैसे देखो एल्यूमिनियम का 6.9 होता है, ब्रास का उससे ज्यादा होता है, तो एल्यूमिनियम और ब्रास में कौन ज्यादा अच्छा इलास्टिक मटेरियल है? ब्रास। कापर का इससे भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो कापर, कापर जो है कापर उससे भी ज्यादा क्या है, इलास्टिक है। आयरन का 19 होता है तो और भी ज्यादा इलास्टिक है। स्टील उससे भी ज्यादा इलास्टिक है। टंगस्टन 36 होता है और बढ़िया इलास्टिक है, आया ना। डायमंड और 83, हाँ भाई सब इलास्टिक है। डिफॉर्म तो करके देखो पहले उसे। अरे पहले, अरे तो मैंने क्या बोला, ब्रिटाइल मटेरियल इलास्टिक नहीं होता है। मैंने बताया था ना तीन तरीके के मटेरियल होते हैं, ग्राफ ग्राफ में दिखाया था, तीन तरीके के मटेरियल होते हैं, दिखा रहा हूं मैंने सब दिखाया था। देखो ब्रिटल, डक्टाइल और इलास्टोमर सब सबके सब क्या है, इलास्टिक है। तो तुम क्या सोच रहे हो जिसको खींच पाओगे वही इलास्टिक है? नहीं यार, तुम्हें क्या लग रहा है जिसको खींच पाओगे बस वही इलास्टिक है ना? जैसे रबर, भाई रबर तो स्टील से भी कम इलास्टिक होता है, रबर तो स्टील से भी कम इलास्टिक हो, हाथी का दांत और ज्यादा इलास्टिक होता है। तो ये देख लेना, जैसे एक बार क्वेश्चन आया था, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, एक ग्राफ ये चीज, एक बार क्वेश्चन आया था, ध्यान से सुनो, ये दिख रहा है। अब क्वेश्चन में था ना कि राइट कॉपर स्टील ग्लास एंड रबर इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, आप बताओ। तो तुमको पता है रबर से ज्यादा इलास्टिक ग्लास, ग्लास से ज्यादा इलास्टिक कॉपर, कॉपर से ज्यादा इलास्टिक स्टील। अरे अभी तुम देखो ना, अभी मैंने दिखाया ना, एक बेसिक आइडिया तुम्हें पता होना चाहिए। कॉपर से ज्यादा आयरन, आयरन से ज्यादा स्टील, स्टील से ज्यादा टंगस्टन, टंगस्टन से ज्यादा डायमंड, ऐसे तुम एक बेसिक आइडिया लगा लेना। जबकि स्टील बहुत ही अच्छा इलास्टिक मटेरियल माना जाता है। अब कई लोग, पहले हम पहले मैं छोटा था तो सोचता था कि रबर को बहुत बढ़िया इलास्टिक कहेंगे, मेरे दिमाग में रहता था जो रबर है ना वो बेस्ट इलास्टिक है, मेरे दिमाग में ये आता था, रबर को खूब खींच सकते हैं, नहीं रबर को खूब खींच सकते हैं तो बेस्ट इलास्टिक है ना। लेकिन रबर बेस्ट इलास्टिक नहीं है, उससे ज्यादा इलास्टिक कौन है, स्टील है, टंगस्टन है, डायमंड है, हाथी का दांत है, फलाना ढेमका डस्ट है, जो उससे बढ़िया इलास्टिक है। तो देखो मेरा काम खत्म हो गया इस चैप्टर का, अब हम कल कल पढ़ेंगे सरफेस टेंशन, ठीक है। और आज तुम्हें वो वाला बैच ले नहीं पाया, देखो अगर कल दिन में सरफेस खत्म हो गया तो शाम को ऑप्टिकल भी खत्म हो जाएगा, लेंस भी खत्म हो जाएगा। अब तुम लोग थोड़ा सा सपोर्ट करना कि खा, हाँ प्रिज्म भी खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा तुम लोग ना सपोर्ट करना, खा पी के बैठना, ताकि मतलब ऐसा ना सुनने को मिले कि सर मुझे जाना है, भागना है ना। समझ में आया दोस्त? आई नीड योर सपोर्ट गाइज। तो थोड़ा सा क्वेश्चन, नोट्स वो तेरी की। वैसे तो तुम 2 दिन आओगी नहीं, है ना कशिश? हेलो, ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है। धीरे धीरे बोल रही हो तुम। अच्छा किसको किसको तेज सुनाई दे रहा है इसकी आवाज?
किसको किसको कशिश की आवाज तेज सुनाई दे रही है? हाँ अरुण, मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही? हाँ चलो कुछ सवाल कर लेते हैं, है ना। हाँ मतलब ठीक है, इसमें ज्यादा नहीं है। और जैसे पहले लास्ट में चलते हैं, बोल रहा है कि पैसन रेशियो की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, 0.7 नहीं हो सकती है। हमें पता है 0 से लेके 0.5 के बीच में पाइसन रेशियो हो सकता है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अगर वॉल्यूम में ये वाला क्वेश्चन करो, ये पांचों क्वेश्चन तुरंत कर लो। अच्छा देखो, अभी तुम जो क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है, जो तुम अभी क्वेश्चन कर रहे थे ना, अब यहाँ पे फिर भी दे दिया है कि जो यंग मॉडुलस है, यंग मॉडुलस 2.4 टाइम है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का। अच्छा ये वही वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अभी यहाँ पे यंग मॉडुलस वाई, अरे अरे, तो जिसने टिक किया गलत किया, तो उससे तुम्हें क्या लेना देना है। अब देखो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वन, अब देखो क्वेश्चन एक ही बार रिपीट हुआ है, एक ही टाइप का क्वेश्चन। यंग मॉडुलस जो वाई है वो 1.5 गुना हुआ है ईटा का, तो फिर पॉइसन रेशियो पूछा है, तो कितना लल्लू सवाल पूछ लिया इन्होंने। अब जिसको ये रिलेशन नहीं याद होगा, वाई इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, उसे इस सवाल नहीं बन पाएगा, कतई नहीं बन पाएगा, तुम देख लेना, ठीक है। अब देखो एक WBJ का सवाल कि पाइसन रेशियो दे दिया है, तो सिग्मा बराबर क्या होता है, डेल आर, या फिर बोल लो डी आर अपन, सॉरी डी आर अपन आर डी वी अपन वी, है ना। तो पाइसन रेशियो दे दिया है, डेल्टा वी अपन वी पूछ रहा है, तो ये तुम्हें निकालना है, तो निकाल नहीं लोगे डेल्टा वी अपन वी। डेल्टा वी अपन वी कितना होता है, 3 गुना डेल्टा आर अपन आर के बराबर होता है, 3 टाइम डेल्टा आर अपन आर के बराबर होता है, याद है? अरे नहीं याद है तो देख लेना ना, कर लेना। तो मेरे ख्याल से इस पूरे चैप्टर में तुम्हें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, आज तुमको इस चैप्टर पे कमांड बना लेना है जाके, तुरंत तुरंत पढ़ लेना, तुरंत तुरंत खत्म हो जाएगा, मजा आ जाएगा तुम्हें, कहोगे माशाल्लाह सर मजा आया, ऐसे चैप्टर सारे पढ़ा दो, हमारे तो फंसेंगे ही नहीं, आराम से एमयू में हो जाएगा। खत्म, टाटा बाय बाय, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक दिन में एक चैप्टर हो जाता है लिक्विड में, मतलब फ्लूड मैकेनिक्स में सबसे अच्छी बात ये रहती है। तो हाँ, नहीं आता है, 5 से 6 क्वेश्चन आ जाएंगे तुमको, देखने में मिलेंगे, टेंशन मत लो। अब एक दिन में एटलीस्ट एक क्वेश्चन अगर तुम्हारा कंफर्म हो रहा है ना, तो बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो क्या करूँ, ना भेजूँ? अब देखो यार अरुण, मैं तुमको बना दे रहा हूँ, मैं तुमको बना दे रहा हूँ वहाँ पे, क्या कहते हैं, एडमिन चैनल पे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अगर यहाँ का भी नोट्स भेजा तो तुम चैनल पे वहां पे भेज दिया करना, है ना। अरे थैंक यू किस बात के लिए भाई, चलो इसको वो कर लो, मैंने भेज दिया, देखो ये कब तक जाता है। तो ठीक है गाइस, फिर कल मिलते हैं, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, ठीक है। और इसके बाद हम कल सरफेस टेंशन पढ़ेंगे, तो क्लास में जरूर आना, मेरे वीडियोस को देखते रहो, आराम से हो जाएगा पक्का, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।